हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की रैम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो है ना, आप अपने मोबाइल फ़ोन की रैम को दो तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। एक तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के जरिए मोबाइल फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं, दूसरा आप जो है मोबाइल फ़ोन में किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको इस वीडियो में मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए रैम को बढ़ाने का तरीका बताने जा रहा हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना है क्या है, मोबाइल फोन की सेटिंग के पेज को ओपन करना है। सेटिंग के पेज में आपको ना नीचे आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रैम एंड स्टोरेज, ठीक है, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा रैम का, इसे टैप करना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है ना, मेरा जो रैम है मेरे मोबाइल फोन की वो 8 GB है टोटल, ठीक है, ये नीचे देखिए लिखा हुआ 8 GB टोटल है। तो अब यहां पर आपको एक्सटेंड रैम, ये नीचे की साइड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जो सेकंड लाइन है इसमें देखिए 4 GB लिखा हुआ है, यानी कि मैं अपने मोबाइल फोन की रैम को और भी 4 GB तक बढ़ा सकता हूं। कैसे, देखिए एक्सटेंडेड रैम के इस ऑप्शन के सामने एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको टैप करना है तो एक रीस्टार्ट नाउ का यह ऑप्शन आएगा। यहां पर एक काउंटिंग जैसी खत्म हो जाएगी तो आपका रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर में, इस तरीके से इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की रैम जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ओपन हो चुका है, अब हम इसे जो है अनलॉक कर लेते हैं तो आपके जो ऐप्स हैं वो कुछ ही सेकंड्स में हाईलाइट हो जाएंगे सामने की तरफ, इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की रैम जो है वो बड़ी है या नहीं, ठीक है। इसके लिए सेटिंग पेज दोबारा ओपन करना है, आपको जो है सेटिंग पेज में दोबारा से रैम एंड स्टोरेज का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन ये स्टोरेज रैम का सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है, पहले यहाँ पर मैंने आपको 8 GB दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर अब जो है 8+4 GB हो चुका है, यानी कि टोटल मेरे मोबाइल फोन की रैम जो है वो 12 GB हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना, मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए ही आप अपने मोबाइल फोन की रैम को आप बढ़ा सकते हैं, जितना लिखा होगा उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर रैम को हम क्यों बढ़ाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है रैम को बढ़ाने की, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, ज्यादातर गेमिंग के ऐप होते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन की रैम जो है कम पड़ जाती है उस गेम के ऐप को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे को मोबाइल फोन की रैम बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर जो है ना, आपका जो गेम का ऐप है वो हैंग नहीं करेगा, अगर आपकी मोबाइल फोन की रैम ज्यादा होगी तो आपका मोबाइल फोन जो है ना हैंग नहीं करेगा। और आपको रैम को तभी बढ़ाना है दोस्तों, अगर आपका जो रैम है, अगर जितना GB आपका रैम पहले से है उस रैम में अगर आपका गेम का ऐप चल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल पा रहा है, हैंग हो रहा है बार बार, तो उसे आपको मोबाइल फोन की रैम को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल फोन की रैम को बढ़ा सकते हैं।